जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पूजन की। भगवान के पूजन में जो हम फूल अर्पित करते हैं उसे हमें कब तोड़ना चाहिए, नहाने के पहले तोड़ना चाहिए या नहाने के बाद तोड़ना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं अरे नहाने के बाद फूल तोड़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि बिना नहाए पहले ही तोड़ देना चाहिए। तो सबसे सही बात तो यह है कि भगवान के पूजन में जो हम फूल अर्पित करते हैं, दूबी अर्पित करते हैं, जो भी हम फूल पान वगैरह अर्पित करते हैं, इसे हमें स्नान करने के पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि फूल वगैरह जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं उसे हमें स्नान के पहले तोड़ कर रख लेना चाहिए। मेरा भी सबसे पहला काम यही है। मैं सबसे पहले उठते ही अपने छत पर जाती हूँ, वहाँ मैं छोटा सा गार्डन लगा के रखती हूँ। मैं सबसे पहले भगवान के लिए फूल इकट्ठा करती हूँ। गुड़हल है, कनेर है, सारे फूल हमारे पूजा के लिए हम इकट्ठा कर लेते हैं। दूबी है, पान है, जो भी है सारा फूल हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। उसके बाद हम स्नान करके फिर हम भगवान का पूजन करते हैं। तो ऐसे ज्ञानवर्धक बातों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ।